आज की मांग 66। परिवार में या तो सत्संग में अरस परस का जो रिलेशन होता है उसमें कब गिरावट आ सकती है उसकी 3 वजह चिंतक बता रहे हैं। जब परस्पर वहम, जिद और बातों पर मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों में गिरावट निश्चित है। फिर वो पति पत्नी हो या तो बालक और माँ बाप हो, गुरु शिष्य हो या संत संत या भक्त भक्त के बीच के रिश्तों हो, क्योंकि बार बार शंका हो रही है, पता नहीं आज हमारा पति या तो पत्नी रात को देर क्यों आए, जॉब से कुछ देर क्यों हुए। गुजराती में कहावत है, वेमनु कोई ओहड़ न हो। जब वहम होता है तब उसकी कोई औषधि इस दुनिया में है ही नहीं। समाधान अपने आप करना होता है या तो कोई बुजुर्ग से पाना होता है। वैसे ही जब जीद होने लगे, बार बार जीद करे, वो तो हमको चाहिए ही, हमको तो जाना ही है, मैं नहीं आऊंगा, मैंने ना बोला। जब रिश्तों में ऐसी जीद बार बार होने लगती, मान लीजिए ये रिश्ता आज नहीं तो कल जाने वाला ही है, ये संबंध अब नहीं टिकेगा। जब सही मायने में संबंध रखना हो तब हमारी जीद छोड़ करके भी सामने वाला पात्र की हमको चिंता होनी चाहिए। पत्नी अपनी जिद नहीं छोड़ती, या तो पति नहीं छोड़ता, या तो बालक अपनी जिद नहीं छोड़ता, गुरु और शिष्य के बीच में शिष्य अपनी जिद नहीं छोड़ पाता तो रिश्ता अपने आप गिर जाएगा। तीसरी बात है बातों पर मुकाबला। बात बात में अब विवाद हो जाता है, हम उसकी बात समझने की बजाय समझाने में ज्यादा जोर देने लगते हैं, अब रिश्तों नहीं टिक पाएंगे। इसलिए संबंध बचाने के लिए हमारा स्वार्थ हमको गिरा देना चाहिए। आखिर में यदि माने तो संबंध से ही सारा संसार चलता है, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते, इसलिए हम संबंध निभाने का प्रयास करें।